वेलकम टू फ्यूचर डॉक्टर्स। आई नो गाइज, मेरे चैनल पे अभी बहुत लंबे टाइम से कोई वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, बट इट वॉज़ जस्ट बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही थी और उसके कारण मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा था कोई भी वीडियो शूट करने के लिए। बट गाइज, नाउ यू कैन सी आई एम इन माई रूम, दैट्स इन रशिया। सो अब मैं यहाँ पर व्लॉग्स बनाऊँगी और आपको डेली यहाँ पर लगभग कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा। जैसे आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ का मार्केट दिखाऊँगी। मैं एक्चुअली यहाँ पर कुछ चीज़ें लेने जा रही हूँ, जैसे ग्रोसरीज के कुछ स्टफ्स लेने जा रही हूँ, तो वो सब यहाँ पे आपको आज देखने मिलेगा। सो नाउ आई शुड गेट रेडी एंड देन आई विल मीट यू सून। गाइस, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, बट यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है अभी। आई गेस आपको दिख रहा होगा, ये देखिए लाइट स्नोफॉल है ये, तो यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। सो लेट्स गो। और गाइस, अभी जो रास्ता देख रहे हो ना, ये जो नीचे पूरा रास्ता है ये वाले, ये पूरे हार्ड आइस हैं ये, और इसमें अगर आप चलते हो और फिर अगर आप गिर गए तो फिर लगती है जोर की। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा संभल के चलना होता है। जैसे मैं यहाँ पे स्लिप हुई हूँ, लेकिन अनसेफ। सो गाइस, ये वाला जो है ये हमारा ट्राम स्टेशन है, यहाँ ट्राम्स आती हैं, हम यहीं से ट्राम्स लेते हैं। अगर हमें कहीं भी जाना होता है तो यही वाली ट्राम हमें यहाँ पर मिलती है। और फिर ये जो आप देख रहे हो, वो देखो वो ट्राम आ रही है, तो वो अभी रुकेगी यहाँ पे और फिर इस ट्राम से फिर हम जाते हैं इस साइड पूरे। एक्चुअली गाइस, अभी मैं अवॉइड कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मतलब तेज़ चलना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे तेज़ चलूँगी अभी तो फिर मैं एकदम अच्छा से गिर जाऊँगी। तो यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा संभल के चलना पड़ेगा। एक्चुअली अभी यहाँ दिसंबर में पहली ठंड आती है, तो फिर अब ठंड आने के कारण यहाँ पे और स्नोफॉल हो रही है और धीरे धीरे यहाँ हार्ड आइस जम रहा है, तो ये टाइम जो होता है ये खतरनाक होता है। गाइस, ये सामने एक बहुत बड़ा मॉल है जो हमारे हॉस्टल के जस्ट बहुत ही पास में है, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस में। आप देख सकते हो कि मैं यहाँ आ गई हूँ। एंड दिस अप्टेका, इसे ये आप समझ लीजिए कि ये एक फार्मेसी जो होती है यहाँ पे, उनको अप्टेका कहते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी दवाइयाँ वगैरह जो भी लेनी होती है वो अप्टेका में ही मिलती है। सो लेट्स गो। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पूरी हार्ड आइस ही है। ओ गॉड, एक्चुअली अभी यहाँ टेम्परेचर -30 चल रहा है। सो या बहुत ही अच्छा बैंक है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ों का आपको बहुत फ़ायदा मिलता है यहाँ पे। कोई आपके जो एक्स्ट्रा प्राइसेस वगैरह होते हैं वो कहीं नहीं कटते, तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो बैंक अकाउंट बना सकते हो, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। एंड दिस आर द ATM, यहाँ पे आप कैश विड्रॉ कर सकते हो, कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो, सब यहीं डायरेक्टली हो जाता है। लेकिन हमको अभी यहाँ नहीं जाना क्योंकि मुझे कोई कैश विड्रॉ वगैरह नहीं करना है। सो लेट्स गेट इन टू द मॉल।
नीचे यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर है, एज यू कैन सी कितने सारे फ्लेवर्स के यहाँ पे आइसक्रीम है, बट अभी बहुत ठंड है सो आई विल रदर स्किप इट। एंड यहाँ क्रिसमस की तैयारी हो रही है सो यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे डेकोरेशन होना शुरू हो गए हैं, बट क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए एंड दैट इज़ मैं सबवे में जा रही हूँ, तो हम अभी यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे और मैं एक और दिन यहाँ पे आऊँगी एंड देन मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाऊँगी कि क्या क्या यहाँ चीज़ें हैं। दैट इज़ मेगाफोन, यहाँ पे जो सिम वगैरह होते हैं उनमें से एक ये मेगाफोन है एंड दिस इज़ योटा, ये भी बहुत अच्छी अभी नई नई स्टार्ट हुई है एंड यहाँ पे एक्चुअली गाइस सिम के प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बट अभी इनके जो प्राइसेस है योटा वालों के उनके बहुत सही हैं एंड दैट इज़ जोला। लाइट में दिख रहा होगा आपको, ये सारे जो हैं ये ब्रेड्स के नेम हैं, तो यहाँ पे आप अपने ब्रेड्स ऑर्डर कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं इनको हम डलवा सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर बन जाएगा। सो अभी मैं अपना ऑर्डर बनवाने जा रही हूँ। जैसे बेली सा परमेसान ईयर मालिंगी अभी उसे माइक्रोवेव किया जा रहा है क्योंकि मैंने उसमें चीज़ डलवाया है एंड चीज़ इज़ कॉल्ड सेफ हियर। Sol Perez. Ketchup.
होंगे कि यहाँ पे अभी जब तक आप सब वैक्सीनेटेड नहीं हो तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे कहीं आपको अलाउ ही नहीं किया जाएगा अंदर, क्योंकि यहाँ हम जैसे ही अंदर आते तो हमको एक अपना जो बार कोड होता है जो हमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में दिया गया है वो हमको यहाँ शो करना होता है। अब क्योंकि हम तो इंडिया से वैक्सीनेटेड हैं इसलिए हमें अपना वीज़ा भी शो करना होता है, जिसमें हमारा जो नेम वगैरह होता है वो सारी चीज़ें रशियन में होती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, अभी बिना उसके आप कहीं भी नहीं जा सकते, आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। तो दैट्स वन इम्पॉर्टेंट थिंग। और चलिए गाइस, अब मेरा खाना तो हो गया है तो लेट्स गो। गाइस अभी हम जाएंगे यहाँ से नीचे, क्योंकि मुझे कुछ सामान लेने हैं जो कि मुझे नीचे मिलेंगे। सो तो गाइस अभी मैं लूँगी मिल्क वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, इस टाइप के प्रोडक्ट्स, तो वो मुझे नीचे मिलेंगे। तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं नीचे, यहाँ से ये मॉल से नीचे जा रहे हैं। अब इस मॉल के नीचे एक और छोटा सा मार्केट है, यहाँ पे ये सब राशन टाइप के सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं, तो हम अभी वहाँ जा रहे हैं।